एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हिना एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शॉपाहोलिक हिना। सो जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी रिगार्डिंग कि आप एक एक्ने प्रोन स्किन के लिए सनस्क्रीन चाहते हैं, सो आज का वीडियो फुल्ली डेडिकेट होने वाला है एक ऐसे सनस्क्रीन के ऊपर। अगर आपकी ऑयली स्किन या फिर एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट रिजल्ट देगा। जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सब वीडियो के अंदर कम्प्लीट आपको मिल जाएंगी। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करके जाइएगा। सो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं उस सनस्क्रीन की जो कि आज मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ। तो आज जो मैं सनस्क्रीन सजेस्ट करने वाली हूँ वो है ये ब्लेंड्स का एसी जेल डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड फॉर एक्ने प्रोन स्किन। ये जो ब्लेंड्स एसी जेल और आप कह सकते हैं सनस्क्रीन है, ये मुझे मेरे डर्मेट ने सजेस्ट किया था और मैं इसे लगभग 6 महीने से ऊपर यूज कर चुकी हूँ और तब मैं आपको इसका रिव्यू आज शेयर कर रही हूँ। इसे मैं 6 महीने तक यूज करने के बाद आपको बता रही हूँ क्या इसके प्रोज और कॉन्स आपको हो सकते हैं या क्या चीज ध्यान देनी चाहिए, कैसा रिजल्ट देती है, क्या क्या क्लेम है इसके, वो सारी चीजें जो है आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। बाकी पहले इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं। यहाँ पे मैं पिक्चर या वीडियो चला दूंगी, आप वो भी जूम करके जो है देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेंशन है कि ये डर्मेट टेस्टेड और साथ ही साथ फॉर एक्ने प्रोन स्किन यहाँ मेंशन हो रखा है। मैट फिनिश है, ऑयल फ्री है एंड स्किन हाइड्रेशन है। सो ऑयल फ्री बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले मैं यूज करती थी लोटस का VLCC का, उसमें इशू यही था वो जेल होने के बावजूद आपके स्किन पर प्रॉपर तरीके से मैट नहीं थे और कहीं ना कहीं वो एक्ने को भी एग्रीवेट कर देते थे, यानी कि उसको यूज करने के बाद मेरे कहीं ना कहीं बम्प होते ही होते थे और समर में सनस्क्रीन अवॉइड नहीं किया जा सकता था। इसी वजह से मैंने अपने डर्मेट से इसे सनस्क्रीन को लिखवाया था कि ऐसा कोई सनस्क्रीन दे जिससे मेरे एक्ने जो है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। तो यस, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है फॉर एक्ने प्रोन स्किन। सो ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता है। इसकी SPF की बात करूँ तो ये आता है SPF 30 और इसके SPF 50 भी आता है, वो उसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा। और वहां पे अगर 30-50 का ऑप्शन होगा तो मैं दे दूंगी, वो आप चूज कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास मैं यूज कर रही थी वो है SPF 30। ये आता है PA++ पे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, CW375 स्वेट वाटर रेजिस्टेंट। इससे आपको बिल्कुल भी आप कह सकते हैं वरी फ्री हो जाइए कि आपको ऐसा कुछ स्वेट आएगा तो या रीअप्लाई करना है या ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं होगा। 50 ग्राम की क्वांटिटी आती है। प्राइसिंग की बात करूं तो MRP इसकी 575 रुपीज है, लेकिन आपको ये लगभग 550-560 के करीब में मिल जाएगा। एक्सपायरी की बात करूं तो 2020 से लेकर 2022 तक की, यानी 2 साल की शेल्फ लाइफ आपको इसके अंदर मिलती है, जो कि इससे पहले ही आप इसे यूज कर लेंगे क्योंकि सनस्क्रीन जो है मेजरली आपको अभी मैं दिखाऊंगी कि कितनी क्वांटिटी है। अगर मैं बाकी सनस्क्रीन की बात करूं तो उन्होंने मुझे 2 सनस्क्रीन सजेस्ट करे थे, दूसरा सनस्क्रीन इससे ज्यादा एक्सपेंसिव था। और अगर आपने अभी तक और सनस्क्रीन मेरे रिव्यू नहीं देखे हैं तो उनके जो भी डिटेल्स हैं या फिर वीडियो है वो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी जरूर चेक कर लीजिएगा। वो भी सनस्क्रीन काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर मैं रेट की बात करूँ वो थोड़े एक्सपेंसिव है, लेकिन मिनिमम रेट में अगर मैं जाऊँ तो ये जो सनस्क्रीन है ये काफी ज्यादा अच्छा काम करता भी है एंड साथ ही साथ जो है इसका रेट के अकॉर्डिंगली भी अच्छा जाता है। तो अगर मैं प्रोडक्ट डिटेल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की क्या क्या क्लेम करते हैं तो क्लेम इनके कुछ ऐसे हैं, जैसे ये ब्लेंड्स एसी ऑफर ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो है इंस्टा सॉप जो कि एक्ने से फाइट करता है, साथ ही साथ एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है इसके अंदर और स्किन हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड साथ ही साथ मैट फिनिश, नॉन ग्रीसी, लाइट वेट एंड पैराबेन फ्री ये प्रोडक्ट है। एंड साथ ही साथ यहाँ डायरेक्शन ऑफ यूज लिखा हुआ है जो कि है कि आपको एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में लेना होगा, यानी कि इसके अंदर 2 फिंगर एप्लीकेशन चलेगा, यानी कि आपके सनस्क्रीन को आपको 2 फिंगर में प्रॉपर अप्लाई करना है, तो ये एक इनफ क्वांटिटी होती है आपके फेस पर अप्लाई करने की। तो वही आपको लेना है, अपने फेस एंड नेक पे अप्लाई करना है, बाहर जाने से 15 मिनट पहले अप्लाई करना है, अच्छे से इसे मसाज करना है, आपके स्किन के अंदर ये पेनिट्रेट हो जाएगा, आपको फील भी नहीं होगा कि स्किन पे आपने इतना हैवी मॉइस्चराइजर या इतनी क्वांटिटी में मॉइस्चराइजर लगाया। ये एक काफी अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, बाहर जाएंगे तो पोर्स ऐसे नहीं होगा कि पोर्स ओपन हो जाए ऑयल की वजह से या स्वेट की वजह से, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही डिसेंट एक लेयर और आप कह सकते हैं फिल्म प्रोटेक्शन देता है आपकी स्किन पर यूवी रेज और सन रेज से। बाकी इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है इसकी जूम पिक्चर में यहाँ लगा दूंगी, वो चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे इसके अंदर जो एडिशनल है परफ्यूम इसके अंदर एड किया गया है क्योंकि लिटिल बिट इसकी फ्रेग्रेंस जो है थोड़ी माइल्ड है, लेकिन यस आप अगर परफ्यूम से एलर्जिक है सो इसको आप अवॉइड कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर डाला गया है आपका पॉप। तो अगर मैं ट्यूब की बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं ये ट्यूब है,
वैसे मैं यूज कर चुकी हूँ इतना, इस वजह से ये आपको इतना खाली दिख रहा है, नहीं तो इतनी ये ऐसे ट्यूब फिल आती है। ये हाफ क्वांटिटी अभी बची हुई है। सेम चीजें आपको बैक पर भी देखने को मिलेगी, बाकी मैं एप्लीकेशन इसका अलग से आपको वीडियो चला दूंगी। अंदर इस तरीके से प्रोटेक्शन लेयर एक होती है, बट आप ये देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्रीम फॉर्म में होता है, बहुत अच्छे से यू नो आपकी स्किन में चला जाएगा। बहुत सॉफ्ट है, क्रीमी टेक्सचर है और खुद आपको फील होगा कि आपके स्किन पर यू नो टाइम आप प्राइमर लगाते हैं तो आप प्राइमर लगाने के बाद एक स्मूथनेस होती है आपके स्किन के अंदर, एक आपकी स्किन काफी क्लियर लगती है, बिल्कुल बम्पी नहीं लगती ना, बिल्कुल इसी तरीके से ही काम करता है। इवन आपको इसे अप्लाई करने के बाद सम टाइम लगेगा कि आपको प्राइमर की जरूरत नहीं है, जो कि ये इतना अच्छा फिल्म और आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन आपके स्किन पर प्रोवाइड कर देगा। सबसे अच्छी बात तो एक्ने ऑयली स्किन के लिए ये है कि ना ही ये ऑयल आने देता है, ना ही आप भी एक्ने है उसको एग्रीवेट करता है, यानी कि उसको बढ़ाता भी नहीं है। मॉइस्चर का भी काम ये कर देता है, यानी मॉइस्चराइजर की भी जरूरत नहीं है अगर आप इसे अप्लाई कर रहे हैं। बाकी अगर आपको एक्ने प्रोन स्किन के लिए स्पेशली आप कह सकते हैं मॉइस्चराइजर चाहिए, जो कि आपके एक्ने को जो है अब बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें और एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करें, तो यस उसका भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी जिसके अंदर सजेस्ट करूंगी मैं अपने फेवरेट मॉइस्चराइजर जो कि स्पेशली होंगे ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के, सो वो भी जरूर आएंगे। बाकी आप अपनी रिक्वेस्ट को कॉमेंट भी कर सकते हैं, मैं जरूर ट्राई करूंगी उसके ऊपर वीडियो बनाने का। बाकी यही था आज के इस वीडियो में जिसमें मैं सजेस्ट करने वाली थी सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन मेरा पर्सनल आप कह सकते हैं पर्सनली फेवरेट है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने ट्राई किया है तो जरूर कमेंट कीजिएगा अपने एक्सपीरियंस की, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और कितने टाइम से आप यूज कर रहे हैं। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि कौन सा सनस्क्रीन एक्ने प्रोन स्किन और ऑयली स्किन के लिए आपको यूज करना चाहिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।